नमस्ते आप सभी को कैसे हैं आप सब सबसे पहले दिल से थैंक यू उन व्यूअर्स का उन सब्सक्राइबर्स का जिन्होंने मुझे लास्ट की टू थ्री वीडियोस में इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं कि एकदम से आई एम फीलिंग सो मच कनेक्टेड टू यू मैं आप लोगों को देख नहीं पा रही लेकिन एक कनेक्शन मेरा उन सब से बन गया है इतना प्यारा लगा आप सबका वो मैसेज आपने जिन्होंने भेजा है क्योंकि आपके जो इमोशंस थे वो मेरे दिल तक पहुंच गए उसके लिए थैंक यू सो मच थैंक यू वेरी मच एंड हर एक सब्सक्राइबर को हर एक व्यूअर को दिल से थैंक यू इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए बिकॉज़ इट रियली गिव्स मी मोटिवेशन कि मैं और अच्छी अच्छी टेक्निक्स आप सबके पास लेकर आऊँ और आपकी लाइफ को और बेहतर बनाऊँ तो आज की जो ये टेक्निक है यूँ तो इस टेक्निक को ना एडवांस टेक्निक में काउंट किया जाता है लेकिन ये इतनी सिंपल है कि मुझे लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो लोग जानकार थे शुरू में उन्होंने इसको क्यों नहीं ट्राई किया था ये टेक्निक बहुत ज़्यादा सिंपल है बट बिसाइड्स बीइंग सिंपल ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिवली काम करती है और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि इकलौती ये ऐसी टेक्निक है जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा बढ़ा देती है और आपका बिलीविंग सिस्टम बहुत ज़्यादा पावरफुल करती है तो ज़्यादा सस्पेंस नहीं क्रिएट करते इस टेक्निक को बोलते हैं मिरर टेक्निक आप लोगों ने इसका सुना हो कहीं पर वीडियो देखा हो मैं इस टेक्निक को ना बहुत सिंपल फॉर्म में और वो बताऊंगी कि जो मैं इस टेक्निक को करने के लिए इफ़ेक्टिवली यूज़ करने के लिए करती हूँ सबसे पहली बात आ, कल एक सब्सक्राइबर मेरे से बार बार व्हाट्सएप पे जुड़ रहे थे आई होप जो उनकी प्रॉब्लम है वो जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए पर कोई भी टेक्निक जब आप करते हैं कोई भी टेक्निक आपको एंशस नहीं होना है आपको रिजल्ट्स को लेकर डरना नहीं है उसके बारे में ये जो डर आपका होता है ये जो आपके अप्रिहेंशंस होते हैं आउटकम को लेकर वो आपकी किसी टेक्निक को सक्सेसफुल रिज़ल्ट नहीं देने देते बिकॉज आप उस टेक्निक पर डाउट कर रहे हैं आप उसके मैजिक पर डाउट कर रहे हैं और मैजिक काम करता है बिलीविंग के ऊपर तो हमारी ये जो टेक्निक है द मिरर टेक्निक इसका सबसे पहला ज़िक्र जो हुआ था वो 1948 की एक बुक में हुआ था उस बुक का टाइटल था द मैजिक ऑफ बिलीविंग और उसकी राइटर थी द क्लॉडी ब्रिस्टॉल एक्चुअली ये बुक 1948 में पब्लिश हुई थी बट स्टिल उसके बाद ये अभी भी पब्लिकेशंस में है बार बार इसे पब्लिश किया जाता है इस बुक को रीप्रिंट होती है ये इतनी फेमस बुक है और बहुत से जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं बिजनेसमैन हैं उन्होंने अपने सक्सेस का क्रेडिट इस बुक में जो डिस्क्राइब हैं टेक्निक्स उनको दिया गया है तो सबसे पहली बार ये टेक्निक उस बुक में डिस्क्राइब हुई थी और उस बुक में ये जैसे डिस्क्राइब है मैं वैसे ही आप तक ये पहुँचा रही हूँ और यकीन मानिए ये बहुत ही वंडरफुली काम करती है बहुत ज़्यादा वंडरफुली और एक और बात इसके साथ कहूँगी कोई भी जो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक आप फॉलो करते हैं यूज़ करते हैं ना वो एक दिन दो दिन में कभी असर नहीं दिखाती है हर एक टेक्निक कुछ टाइम लेती है क्योंकि आपका माइंडसेट आप उस वाइब्रेशन उस फ्रीक्वेंसी में पहुँचते हैं थोड़े टाइम बाद इंस्टेंट आप नहीं पहुंच पाते ना कि उस फ्रीक्वेंसी में उस वाइब्रेशन मोड में जब आप पहुंच जाते हैं तो ये टेक्निक काम कर जाती है टेक्निक्स का काम होता है आपको उस वाइब्रेशनल मोड में लाना उस फ्रीक्वेंसी में लाना उस बिलीविंग स्टेटस में लाना तो टेक्निक काम अपना सही कर रही है आप काम गलत करते हैं जो उसे एक दिन दो दिन कुछ दिन प्रैक्टिस करके छोड़ देते हैं कि इट्स नॉट वर्किंग ऐसा नहीं होता उसको आपको एटलीस्ट थ्री वीक्स तो हर एक टेक्निक को अपनाना ही होता है करना ही होता है देन ओनली इट विल वर्क फॉर यू तो चलिए बात करते हैं मिरर मैनिफेस्टेशन टेक्निक की तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मैजिक टेक्निक में जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी इंग्रेडिएंट्स जैसे कुकिंग uh, वीडियोस में बताते हैं ना इस मैजिक टेक्निक के भी इंग्रेडिएंट्स क्या हैं उन्हें जान लीजिए पहला हमारा इंग्रेडिएंट है यू नीड अ मिरर सबसे पहले आपको एक मिरर की ज़रूरत है दूसरा थिंग आपको जो चाहिए प्राइवेसी वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस टेक्निक को करने के लिए आपको प्राइवेसी चाहिए इस टेक्निक को करने के लिए थर्ड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग द विलिंगनेस टू डू दिस टेक्निक ट्वाइस अ डे आपके अंदर वो विलिंगनेस होनी है कि मुझे कुछ पाना है तो उसके लिए कुछ करना है उसको कुछ जो है करने के लिए वो है हमारी मिरर मैनिफेस्टेशन टेक्निक इसको आपको मॉर्निंग में और एक बार नाइट में या इवनिंग कह लीजिए उस टाइम करना है बट यू हैव टू बी टोटली इन अ प्राइवेट जोन जब आप इसको करेंगे मेरा एक फ्रेंड है जो जो इसको जो ही उसका नाम है जो इसको करता है मॉर्निंग में आफ्टर ब्रशिंग हिज टीथ वो इसको करता है और नाइट में अगेन बिफोर ब्रशिंग हिज टीथ वो इसको करता है तो वो दो टाइम इस टेक्निक को उसने बांध रखा है करने के लिए और उसने इस टेक्निक से बहुत कुछ हासिल किया है अब इस टेक्निक को यूज़ करने के लिए आपको कुछ स्टेटमेंट्स बोलनी होती हैं आप अपने आप को मिरर में देखेंगे और आप मिरर में अपनी इमेज के आँखों में आँखें डालकर आप कुछ अलाउिइंग स्टेटमेंट्स बोलते हैं इन्हें वो बोलते हैं मीन्स आप अपने आप को परमिशन दे रहे हैं आप अपने आप को अलाउ कर रहे हैं तो आपके स्टेटमेंट्स को अलाउंग स्टेटमेंट्स कहा जाता है जो आप इस टेक्निक में यूज़ करेंगे मैं आपके सामने अभी आ, कुछ अलाउंग स्टेटमेंट्स बोलूँगी जो मेरे फ्रेंड जो ने यूज़ की थी एट द टाइम ही वॉन्टेड टू मैनिफेस्ट मनी इन टू हिज लाइफ क्योंकि उसके लिए मनी एक बहुत बड़ा इशू था अपने घर में क्योंकि वो उसे मनी को लेकर बहुत नेगेटिव थाट्स थे उसको हमेशा ये लगता था कि मनी इज़ रीज़न बिहाइंड हिज अनहैपीनेस उसको ऐसा लगता था वो हमेशा लैकिंग स्टेट में रहता था मनी की उसके बाद वेन ही uh, started डूइंग these allowing स्टेटमेंट्स एंड प्रैक्टिसिंग इट डेली उसने अपना जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसको ही बदल डाला तो उसने जो allowing स्टेटमेंट्स यूज़ की वो मैं अभी आपके सामने पढ़ूंगी और वही आपके स्क्रीन पर भी आएंगी आप इन स्टेटमेंट्स को अपनी need के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करेंगे और फिर इन स्टेटमेंट्स को आप दिन में दो बार रिपीट करेंगे मॉर्निंग में एंड नाइट में इन कंप्लीट प्राइवेसी और अगेन यू हैव टू बी विलिंग कि आपको ये करना है आप इसमें आ, इतनी सिंपल टेक्निक है कि आप इसमें हार्डली तीन से चार मिनट अपने देंगे आपको कुछ नहीं लिखना है आपको कहीं पे कुछ मेडिटेट नहीं करना है बस आपको ये तीन से चार मिनट अपने आप को देने हैं रोज़ और एक और इम्पॉर्टेंट थिंग जब आप इस टेक्निक को यूज़ करती हैं जब आप आ, बोल रहे होते हैं लॉइंग स्टेटमेंट आप रिलैक्स स्टेट में चले जाइए रिलैक्स स्टेट बहुत सिंपल होता है कुछ ऐसा नहीं कि मेडिटेशन करना है दस बार ब्रीदिंग ब्रीद आउट कर लीजिए जब ब्रीदिंग कर रहे हैं तो काउंट करिए आठ तक एट तक काउंट करिए सांस अपनी सेवन सेकेंड्स तक रोकिए देन अगेन रिलीज इट और रिलीज़ करते हुए चार सेकेंड तक गिनिए ऐसे आपको दस बार करना है आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है ठीक है तो अब मैं अलाउंग स्टेटमेंट्स जो हैं वो पढ़ने जा रही हूँ और फिर आप उनको मॉडिफाई करिए अपने अकॉर्डिंग ठीक है और अब मैं आपके सामने जो अलाउंग स्टेटमेंट्स वो पढ़ देती हूँ अलाउंग स्टेटमेंट बोलने स्टार्ट करने से पहले ये मत भूलिएगा कि आपको एड्रेस करना है अपने आप को आपको अपना नाम लेके शुरू करना है जैसे मैं अपना नाम ले रही हूँ गुंजन आई नो दैट यू वॉन्ट टू हैव मोर मनी टू इंजॉय द फाइनल थिंग्स इन लाइफ यू वॉन्ट More money for a better car, for saving, and for travel. I want you to know that I allow you to have all the money and opportunities you desire. I now allow you to experience more opportunities and abundance and prosperity through the law of attraction. I want you to prosper and allow you to prosper now. तो ये स्टेटमेंट इन्हें अलाउंग स्टेटमेंट कहते हैं आप इनको अपने काइंड से मॉडिफाई कर लीजिए हर बार आपको जब स्टार्ट करेंगे यू हैव टू एड्रेस अपना नाम लेना है मान लीजिए आप कोई जॉब मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग बोल दीजिए गुंजन आई ना अलाउ यू टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम जॉब आई अलाउ यू टू अट्रैक्ट दैट हैंडसम अमाउंट ऑफ सैलरी विच यू हैव ऑलवेज एक्सपेक्टेड लाइक like दिस आप कुछ भी उसमें मॉडिफाई कर दीजिए हर चीज़ पे आप अलाउ कर रहे हैं अपने आप को लेकिन ये जब आप बोल रहे हैं तो आप अपने मिरर इमेज जो आप देख रहे हैं उसकी आँखों में आंखें डाल के ये बोल रहे हैं शुरू में आपको वियर्ड लगेगा आपको लगेगा बहुत अजीब सा है ये आप कनेक्ट नहीं करेंगे पर यकीन मानिए जब आप इसे एटलीस्ट पाँच दिन भी कंटिन्यूसली कर लेंगे ना यू विल फील दैट कनेक्शन और फिर उसके बाद जब कनेक्शन बिल्ट हो जाता है वो बिलीव आ जाता है तो आपकी लाइफ में कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक अपने मेरेकल्स दिखाने लगती है इसीलिए बोला जाता है द मैजिक ऑफ बिलीविंग बिलीव करना है आपको तो चलिए आई एम साइनिंग ऑफ नाउ इसी उम्मीद के साथ कि ये टेक्निक आपको आपकी जो विशेज हैं डिज़ायर्स हैं उन्हें अचीव करने में आपके गोल्स को अटेन करने में आपकी हेल्प करेगी और आप इस टेक्निक को डेडिकेशन के साथ फॉलो करेंगे कोई भी चीज़ जो शिद्दत से करनी है जो शिद्दत से की जाती है वो आपकी विश ज़रूर पूरी होती है वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड ब्लेसिंगस एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू सो मच